रसिका जी आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में Thank ये हमारा शो एनसी हैंग आउट है मेरा नाम सत्यम है और वेरी ग्लैड कि हम आपसे बात करने का हमको मौका मिल रहा है थैंक यू सो मच हाय सत्यम हेलो जी स्कूप का जो अभी बहुत ही रिसेंटली एकदम अच्छा खासा शो है आपके करेक्टर की बहुत तारीफ़ हो रही है इस तरह की जब कहानियाँ मिलती हैं और ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन एक रेलिवेंट स्टोरी में आपने आ, करेक्टर किया है तब कैसा लगता है थिएटर से इतर जब वेब सीरीज़ वगैरह से अप्रिसिएशन मिलता है तब तो? बहुत मज़ा आता है देखो थिएटर का अप्रिसिएशन एक अलग तरह का अप्रिसिएशन है? है।, है ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी लोग बहुत पसंद करें मैं बहुत कम काम करती हूँ एक्टिंग में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था स्क्रीन के सामने काम करने में मैं अभी भी बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ <laughs> दो कैमरा है और वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं <laughs> तो आ, मैं बड़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ पर हाँ स्कूप में मुझे बहुत मज़ा आया था जर्नी की बात करते हैं शुरुआत से अगर आप बताएं कि कब शुरू हुआ एक्टिंग में कैसे आई थिएटर का क्या सफर था अच्छा ऐसा वाला, आ, वाला। <laughs> मैं हमेशा एक्टर बनना चाहती थी मतलब बचपन से ही एक बार बस कंडक्टर बनना चाहती थी उस दौरान <laughs> और एक बार रिपोर्टर पर हाँ एक्टर मेरा कंसिस्टेंट था महाराष्ट्र में बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है आ, मतलब नाटक अगर आप कर रहे हो तो आपका रास्ता बहुत आसान होता रहता है तो कॉलेज लेवल पे नाटक करना शुरू हो मैं एक्चुअली चार साल की थी तब से मुझे स्टेज पे छोड़ दिया था अच्छा। हाँ वो एक बच्चा होता है ना जो डरता नहीं है वो मैं थी तो मुझे भेजा गया जोक हाँ जोक सुनाओ कविता सुनाओ याद कर लेती थी मैं जनरली एक या दो बार पढ़ के मुझे याद हो जाता है तो उसके दौरान मुझे भेजा गया कॉलेज में और मज़ा आने लगा तब तक थोड़ी अक्ल आ गई थी कि माधुरी दीक्षित बनने का सपना अनरियलिस्टिक है थोड़ा Uh, तो क्या कर रहा जा सकता है तभी एन के बारे में पता चला एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही थी हुँ. और उस दौरान आई रिमेंबर मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी जब पृथ्वी फेस्टिवल का एक सैटेलाइट पुणे में हुआ था सो वी वो वॉल्टियर्स हम इंटरनेशनल नाटक फ्री में देखने को मिलेंगे अच्छा। इसलिए हम वॉल्टियर्स थे uh, और उसे हैंडल कर रहे थे जो बड़े बड़े लोग थे हुँ. वो थे अतुल कुलकर्णी गीतांजलि right. कुलकर्णी अश्विनी गिरी प्रसाद वनारसे और मुझे उनको देख के कि यार ये बड़े कमाल के लोग लग रहे हैं तभी तभी अतुल दादा को नेशनल अवार्ड मिला था हम ऐसे थे कि ये करते क्या हैं और उनकी बातचीत में बार बार एन का जिक्र था तो फिर मैंने कहा मुझे भी करना है और उन्होंने एक्चुअली मेरी तैयारी करवा के ली कि हाँ प्रिपेयर होके जाओ वगैरह वगैरह और मतलब एन में एडमिशन हो गया वो मेरा बहुत क्लियर था कि वो करना ही पड़ेगा मुझे थिएटर करने में मज़ा आता है वो मेरा प्राइमरी मीडियम है आ, मुझे स्क्रीन के सामने मैं मैंने कोशिश की क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली हम तो मैं थिएटर पर मुझे ना अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे एक्टिंग के तो बहुत साल मैंने एक्टिंग की बम्बई आकर मुझे समझ में आया कि हमारा वाला नाटक कोई करना चाह नहीं रहा है यहाँ मतलब तो जिस तरह का नाटक हम करना चाह रहे हैं मुझे ना ये नाटक के नाम पर Uh, एक कॉमर्स जो इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से ऑडियंस प्लीजिंग यही एक क्राइटेरिया रखते जो नाटक बनाया जाता है उससे मुझे थोड़ी सी उलझन होती है तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग काम करना था नाटक बनाना था दैट्स वाई मी जीशान हमने बीइंग एसोसिएशन नाम का ग्रुप यहाँ खोल लिया कोई और डायरेक्ट करने को तैयार नहीं था तो जीशान ने कहा तू कर ले वो बहुत टाइम लगाता था, था क्योंकि वो हाँ हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं पहले डेट फिक्स करती हूँ शो की एंड देन हम उल्टा काम करते हैं फिर एक नाटक दो नाटक और वो मुझे पता नहीं चला कब हम दस नाटक डायरेक्ट कर चुके हैं और मैं डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ पर हाँ मोटी मोटी जर्नी यही है किस तरह के नाटक किए हैं आपने और सो so हमने रामू रामनाथन का को कोलेबरेटर्स से शुरुआत की थी बम्बई में एक्चुअली हमारी असल शुरुआत में कह सकती हूँ म्यूजियम ऑफ स्पीशीज इन डेंजर इस नाटक से हुई Uh, दिल्ली uh, गैंगरेप केस जिसे निर्भया उस लड़की को कहा गया है उस मैं मुझे बड़ा गुस्सा आया था सारी घटना से उसे इस तरह से बुलाने से सभी चीज़ों से और uh, तब सब लोग वो कैंडल मार्च और उसका एक दौर था वो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था तो हमने कुछ समविचारी लड़कियों ने मिलकर एक नाटक बनाया म्यूज़ियम ऑफ स्पीशीज इन डेंजर एंड वो नाटक बनाने में हमें छः सात महीने लगे uh, क्योंकि हम बातचीत करना शुरू की थी कि स्क्रिप्ट नहीं थी hmm. पीसेस बनाते हैं वगैरह वगैरह और वहाँ से जब बात करना शुरू हुई आई वॉज वेरी श्योर कि यू you नो know, हम बात चाहे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर से शुरू करें हम सबके एक्सपीरियंसेज हैं मोलिस्टेशन के जी एवरी वुमन हैज कैन वी टॉक अबाउट दैट देन ओनली द्ले विल बिकम आर प्ले और वो छः महीने में एवरीबडी वॉज रेडी टू स्पीक अबाउट देम सेल्व्स वो नाटक हमारे लिए सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा मतलब ग्रुप के लिए भी मेरे लिए भी कि हाँ, किस तरह का नाटक करना है ये था 2013 देन वी वो वेरी श्योर कि हमें सोशली रिलेवेंट नाटक जिसे प्रोटेस्ट थिएटर कहा जाता है हम उसी तरह का नाटक ज्यादातर करना चाहते हैं क्या चैलेंजेस रहते हैं प्रोटेस्ट थिएटर जब आप कर रहे हैं तो वो भाषण ना बन जाए ये रहता होगा ना हाँ। कि हमको इसमें आर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमको सीधा झंडा उठा के नारा नहीं लगा देना है हाँ वो वाले कौन से चैलेंजेस हैं और जब आप कोई ऐसा टॉपिक आए अगर आप एग्जांपल के साथ बताना चाहें आ, जैसे म्यूजियम में भी हुआ था हम बहुत श्योर थे कि लड़कियों का नाटक मतलब रोना पिटना नहीं होगा जी और तो हमारी ये बात हुई कि लड़कियाँ कॉमेडी कर सकती है इस पर भी विश्वास नहीं है सो लेट्स ट्राई इट विद दैट इतने लाफ्टर आने ही चाहिए इस तरह से एक्चुअली हमने उसे प्लान किया था कि नहीं नहीं ये गलत है लड़कियाँ कॉमेडी नहीं कर सकती यहाँ से ही शुरू होता, होता है तो लेट स्टार्ट विथ दैट उसे प्रपोगा ना बने वो किसी भाषण ना लगे एंटरटेनिंग रहे आ, इसके लिए हम बार 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 कोशिश करते हैं जहाँ लगता है भाषण हो रहा है वहाँ पर उसे ब्रेक करते हैं और रादर उसे मासी ये जो शब्द है वो बनाने की कोशिश करते हैं मैं आ, हम सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग चुनते हैं पर वो सिर्फ़ एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस ही एन्जॉय कर सके ये मैं कभी नहीं चाहती वो नाटक सबको एन्जॉय करना चाहिए तो हमने एक नाटक किया था रोमियो जूलियट यहाँ पर एक दलित लड़की की हत्या की गई थी खरड़ा में आ, से मुजफ़्फ़रनगर में भी घटना थी चौदह साल के मतलब उनको प्यार क्या है ये भी पता है या नहीं यू नो सो वी एक्चुअली डिड जूलियट ऑन दैट देन अभी हमारा जैसे करंट प्ले चल रहा है गिट्टू बिट्टू इज अबाउट गुड टच बैड टच सो हम ये बीएमसी के स्कूल्स में फ्री में कर रहे हैं जा जाकर hmm. उनको पहले तो कन्विंस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स को कि ये, हम ये करने हम कर सकते हैं हमें करने दीजिए सो दैट्स अ वेरी फन प्ले और वो उसमें भी हम बहुत श्योर थे कि हमें ना बचपन से बताया जाता है एक प्रिंस आएगा और बचाएगा या yeah. यही प्रॉब्लम एरिया है, है तो यहीं से तोड़ना शुरू करते हैं तो हमारे पास प्रिंसेसेस हैं प्रिंस है प्रिंस रोता है hmm. प्रिंस शादी नहीं करना चाहता है टू स्टार्ट विद सो हम इन थीम्स को लेकर उसको मजेदार कैसे बनाएं इस बहुत काम करते हैं जी जो आ, एक तो संहिता मंच की हम पहले उसकी बात कर लेते हैं वो क्या अभी

मेरे आसपास के लोग लिख रहे हैं या नहीं पता ही नहीं चल रहा है हर आदमी खुद नाटक लिख कर खुद ही बनाना चाह रहा है मेरे पास अभी डेढ़ सौ स्क्रिप्ट आई हैं अच्छा। जिसमें से कुछ नहीं कुछ नहीं तो तीस स्क्रिप्ट दिल्ली से हैं उत्तर प्रदेश से है बिहार से तो एक्चुअली इसी तरह के कॉन्वर्सेशन में कोई नहीं लिख रहा कोई नहीं मैंने कहा चलना फेसबुक पर डाल के देखते हैं कॉम्पिटिशन है तब तो भेजेंगे लोग एंड देन हमें लगा कि नहीं ऐसे एस, मतलब एक तो पोस्ट ऐसे ही डाल दिया मैंने लोग कह रहे थे हाँ हाँ भेजेंगे तो उसका एक बेसिक सा पोस्टर बनाया हमने कहा देखते हैं पहले साल हमारे पास कुछ अच्छी अस्सी स्क्रिप्ट है कब आपने किया था दो हज़ार सत्रह अच्छा तो हमें लगा कि यार फिर मैं अकेले क्यों करूँ अस्सी में से कुछ नहीं कुछ नहीं तो चार तो अच्छे बहुत कमाल के होंगे तो मैंने अपने दोस्तों से बात करना शुरू की कि तुम भी नाटक करना चाहोगे तुमने कहा हाँ तो एक दिल्ली में और एक कोटा में उन्होंने नाटक बनाए हमने सबको प्रीमियर किया फिर लगा कि अरे किताब भी छपनी चाहिए सो so, लगने पर बहुत चल रहा है हमारी लाइफ में कि मुझे लगा कि हाँ कर लेते हैं एंड देन पीपल एक्चुअली मतलब मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं चलो करो सो नाउ दिस फेस्टिवल नाउ अब ये तीन भाषाओं में हो रहा है हिंदी मराठी अंग्रेज़ी uh, देश भर से जूड़ी है इस साल चार शहरों में होगा राजकमल प्रकाशन हमारे साथ जुड़ चुका है तो जो स्क्रिप्ट की किताब होगी वो राजकमल पब्लिश करेगा तो हाँ एक, एक्चुअली शुरुआत पर यही से होती है नाटक चाहिए यार नया करने के लिए और हम सब कुछ नहीं कर सकते अडेप्टशन की अगर हम बात करें जो कि पुराने नाटक हैं फॉर एग्जांपल ही रांझा है मान लीजिए रोमियो जूलियट है या और पुराने नाटक शाकुंतला है तो जब ये अडेप्ट होते हैं तो आपका अगर आप अडेप्ट करना चाहें कोई नाटक तो आपका क्या मकसद रहता है कि जैसा है वैसा उसको कर दिया जाए कि आज के आज का जो समय है उससे उसको जोड़ कर रखा जाए अडेप्टेशन तो उस तरह की होनी चाहिए ना कि हम उसको कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश करें पर मैं जितना देख पा रहा हूँ जो कि पुराने जिसको कहते हैं कि माइथोलॉजिकल भी हैं फिर कल्ट नाटक जो लिखे गए हैं वो वैसे कि, जैसे किताब में लिखे हैं वैसा का वैसा स्टेज पर आ रहा है आज भी दो में भी तो चाहे कितना रिग्रेसिव हो

See, मुझे नाटक क्यों करना है क्योंकि ये नाटक कुछ ऐसा बोल रहा है जो अभी बोलने की ज़रूरत है ये मेरा रीज़न है कि हाँ ये नाटक वो बोल रहा है जो मैं बोलना चाहती हूँ hmm. अगर वो नाटक वो बोल ही नहीं रहा है तो मुझे चाहे कितने पैसे मिल रहे हो पस, कोई स्टार वो करना hmm. चाह रहा हो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है सो रिलेवेंस बिकम्स इम्पॉर्टेंट और इसीलिए वो एडेप्टन में मतलब अगर रिलेवेंट नहीं है नाटक वैसा का वैसा करना है hmm. तो आई I मीन mean, कर लीजिए वो एक दो धारा है ना आर्ट फॉर आर्ट से एक आर्ट फॉर सोसाइटी मुझे लगता है आर्ट फॉर आर्ट से एक मतलब मुझे उस पर विश्वास नहीं है जो करते हैं अच्छी बात है आर्ट लोग कह सकते हैं ना कि हमने नाटक कर दिया हमारी देखो म्यूजिक देखो और हमारा कॉस्ट्यूम देखो, देखो हम कर रहे हैं नाटक कुछ दिखाने के लिए करना ही नहीं होता ना पर मतलब नाटक अगर ये दिखाने के लिए करना है तो फिर तो सारा मज़ा ही हमने खो दिया है नाटक का मजा वही है कि छुपाना है okay. नाटक का मजा वही है ना कि हम सब छुपा रहे हैं आपने देख लिया आपको जो देखना है okay. ये ये इतना मज़ेदार है और आई I मीन mean, ये ना एक अपने आप में कला है इसके बारे में आ, एक बहुत जेम्स गुलगुट्स का बहुत बढ़िया okay. स्टेटमेंट है मेरा स्टेटस है वो कि एक्टिंग इज हाफ शेम हाफ ग्लोरी या शेम इज़ इन एग्जिबिटिंग योर एंड ग्लोरी वेन यू कैन हाइड योर So, इसका एग्जैक्टली exactly उल्टा माना जाता है कि मुझे देखो हाँ. मैं कितना कमाल कर सकता हूँ तुम्हें देखना तो घर पे आके मिल लेंगे यार स्टेज पे हम किरदारों से मिलने आते हैं हम एक्टर्स से मिलने नहीं आते हम स्टार्स से मिलने नहीं आते हम किरदारों से मिलने आते हैं हम कहानी देखने आते हैं सो अडेप्टन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब उसमें तो कोई सोशली रिलेवेंट अडेप्टन कैसा है मराठी का वो मराठी थिएटर सर्किट या मुंबई का थिएटर सर्किट हिंदी अंग्रेजी और भी इसमें हो दो अलग दो लिए? अलग है कम्प्लीटली चीजें से मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है सो हाँ, so, so, एक मराठी थिएटर बहुत अलग अलग तरीके का है दो मुख्य धाराएं हैं बिल्कुल फिल्म की तरह की एक कमर्शियल थिएटर है और एक पैरल थिएटर है ये और बहुत स्ट्रांगली बहता है यहाँ पर कमर्शियल थिएटर में आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो मतलब मैं ये हमेशा एक्चुअली सबको बोलती हूँ आप यकीन नहीं करेंगे मराठी में लोग गाड़ियाँ और घर खरीदते हैं थिएटर करके वैनिटी खरीदा हुआ आदमी भी मुझे पता है क्या कंटेंट है कमर्शियल थिएटर का सो इट्स इंटरेस्टिंग मतलब मैं वही बोलूँगी दोनों तरह के कंटेंट है थोड़ा फैमिली बेस्ड होता है पर उसमें भी ना बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ होती है सो लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में और बहुत प्रोग्रेसिव टॉपिक्स के बारे में भी पर एक फैमिली ड्रामा में बात हो रही होती है और इसके अलावा कमर्शियली सक्सेसफुल ऐसे कुछ नाटक है जिनमें फोक लोर से कहानी आती है okay. और उनको औरतों के विचारधाराओं के साथ जोड़कर ये कमर्शियल थिएटर में हो रहा है और बहुत अच्छे तरह से हो रहा है कम से कम पाँच सौ शो हां उसके बाद तभी हिट माना जाता हाँ, है तभी हिट होगा मुझे हिंदी में पच्चीस शो पे नाटक बंद करने में मेरा दिल <laughs> दुखता है कि यार इतनी मेहनत कर पच्चीस में तो बंद करना है सो so, हां हिंदी का पच्चीस बेस्ट है हाँ। और जो मुंबई का सर्किट है हिंदी की अगर हम बात करें जो कि लोग कर रहे हैं नाटक रामूरामन आसन है यहाँ पर सुनील शानबाग है यहां पर और पृथ्वी में कई लोग परफॉर्म करते हैं आपने आप लिखती भी हैं डायरेक्ट भी करती हैं प्रोडक्शन हाउस भी अजय मेनी पाठक नाटक कर रहे हैं उसका कंटेंट किस तरीके का है और नए लोग कैसे उससे जुड़ पा रहे हैं अगर जुड़ पा रहे हैं तो या थिएटर से नए लोगों का जुड़ना कम हो गया है नहीं नहीं अह दो अलग उसको वो करते हैं थिएटर से नए लोग जुड़ रहे हैं हुँ. उनका पर्पस जनरली मुंबई में थिएटर करने का पर्पस फिल्म होता है हां ओटीटी में भी दिल्ली में कौन आके देख के तुम्हें काम देने वाला है इतना में रहे। अच्छा। <laughs> नहीं मतलब बम्बई में तो यह है ना कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर आ जाएगा और मुझे हाँ। काम मिल जाएगा ये एक बेसिक पर्पज है पर हाँ फिर भी बहुत लोग हैं जो थिएटर करना चाहते हैं मतलब इस कला के लिए ये कला करना चाहते हैं कि आ, हिंदी मराठी अंग्रेजी गुजराती ये चारों भाषाओं में बहुत बहुत शोज लग रहे होते हैं मतलब हो सकता है अभी आज के दिन बम्बई में कुछ सत्तर शोज चल रहे नाटक के oh. हाँ yeah. कम से कम क्योंकि पर. हाँ वीकेंड पे तो सौ सवा सौ हो सो इतने चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर अनफॉर्चुनेटली हिंदी नाटकों को करने की जगह बहुत कम है मैं फिजिकल स्पेस की बात कर रही हूँ अच्छा. मतलब पृथ्वी थिएटर ये पूरे सबर्ब्स में एक थिएटर है जहाँ पर हिंदी के लिए जगह है आ, हिंदी की जगह बहुत कम होती जा रही है मराठी थिएटर हर सबब में एक थिएटर है अंग्रेजी के लिए एक जगह है अंग्रेजी थोड़ी आ, हमारा कॉलोनाइज़ेशन का इफेक्ट गया नहीं है तो थोड़ा एक एलिट माना जाता है पर खैर मतलब हिंदी की जगह कम है बट स्टिल ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है अभी मतलब आराम नगर जो पहले कास्टिंग का एरिया माना जाता था वहाँ सडनली कुछ छः सात स्टूडियोज हैं हाँ। जहाँ पर सत्तर अस्सी लोग बैठकर नाटक देख सकते हुँ। हैं हुँ। और मतलब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो चल रहा है कि लोग आ रहे हैं नाटक देख रहे हैं मतलब हमने भी ऑलमोस्ट तीन साल रन किया है वहाँ अच्छा। तो हाँ मतलब लॉकडाउन के बदौलत उसके बाद हमने बंद कर दिया ये वाली जो बहस है थिएटर और स्क्रीन स्क्रीन या थिएटर ये वाला जो चॉइस मेक करने वाली बात है 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 वो आप कितना इसमें कि मुझे हाँ मुझे मुझे थिएटर पे पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना है, उसको प्रेफरेंस देनी ऐसी ऐसी बहस बहस नहीं 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 मतलब मेरे दिमाग में पर्सनली स्क्रीन मज़ा आ रहा फिल्मी उसका हिंदी कह सकते उसका शहर होना तो तब मुझे स्क्रीन का मजा समझ में आया एक्चुअली स्कूप शायद मैं इसीलिए इतना एंजॉय भी कर पाई कि मुझे स्कूप पहली स्कूप बार के पहले हुआ ये स्कूप के पहले हमने शूट की है और मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये तो डायरेक्टर का मीडियम है और यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है सो so, मैं अब मुझे स्क्रीन का मज़ा समझ में आने लगा उस लेंस से देखने के बाद आ, तो मेरे लिए ये फ़ाइट वो वाली फाइट नहीं है मतलब मॉरल फाइट नहीं है मैं किसी भी मीडियम में इंटरेस्टिंग काम हूँ तो मैं काम कर सकती हूँ पर हाँ प्राइमरीली मैं थिएटर में कंफर्टेबल हूँ बात करने में हाँ हम प्ले राइटिंग के बारे में जो भी आप बताना चाहें उसकी टेक्निकलिटीज उसका कैसे एक अच्छा नाटक लिखा जाना चाहिए एक अच्छा नाटक कैसा होना चाहिए अगर ये सवाल बनता है तो अगर इसका कोई पैमाना है तो पैमाने का मुझे नहीं पता सी आई एम नॉट अ प्ले राइट प्ले राइट मैं मजबूरी में राइटर बनी बनी पर हाँ मैं क्योंकि आई हुई तकरीबन सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ मतलब मैं हर साल सौ स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ ये आगे। आगे। मुझे अच्छा लगता है कि तो मैंने ना मुझे एक चीज़ समझ में आने लगी है कि लोग कम नाटक देख रहे हैं और उससे पहले नाटक लिखना शुरू कर देते हैं लोग कम नाटक पढ़ रहे हैं और उससे पहले नाटक लिखना शुरू कर देते हैं ये ट्रेंड बदलने की बहुत ज़रूरत है मतलब जैसे फिल्म मेकर को कहा जाता ना, है ना कि यू वॉच फिल्में देखो देन यू राइट योर फिल्म वैसे ही नाटक वाले को बहुत नाटक देखने चाहिए बहुत तरीके के नाटक देखने चाहिए आ, तभी एक अच्छा नाटक डेवलप होगा टू स्टार्ट विद और दूसरा रील्स बनाने में और नाटक लिखने में एक फ़र्क है सॉरी ये थोड़ा हार्शली आया है क्या <laughs> <laughs> नहीं मैं स्पेसिफिकली बता दू मैं सोशल uh, uh, मीडिया के प्रभाव नाटकों पर uh, ये हम ना बहुत डायरेक्टली देख रहे हैं कैसे कैसे ये सडनली सीन्स ना बहुत छोटे छोटे होने लगे हैं ओके okay. पहले नाटक का एक ना लंबा सीन हाँ. होता था जनरली uh, मोनोलॉग्स होते थे बड़े बड़े uh, उसमें एक ठहराव है मोमेंट विल हैपन तुम वहाँ बैठे हो मैं यहाँ बैठी हूँ बात कर रहे हैं मोमेंट विल हैपन जब जब हमें ताली देने का मन करेगा यू नो उसकी ज जल्दी नहीं है पर वो रील्स और स्टोरीज का जो इम्पैक्ट है थर्टी सेकेंड थर्टी सेकेंड्स सो नाओ द सीन्स में भी uh, कुछ कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जज करने गई थी सारे सीन पैंतीस पैंतीस सेकेंड में ख़त्म हो रहे हैं आई मीन पीपल कम समथिंग हैपन्स ब्लैकआउट दूसरी जगह लाइट आता है कुछ yeah. होता है uh, किसी एकाद जगह ये इंटरेस्टिंग भी लग सकता है पर यह ट्रेंड नहीं हो सकता नाटक में मतलब ना बिल्डअप नहीं है बिल्डअप नहीं है समय नहीं है मोमेंट डेवलप होने का और दूसरा ये भी है कि यह मैं एक्ट्रेस के लिए कहती हूँ ये प्ले राइटिंग में भी उतना ही वो है कोई भी एक इमोशन आप अभी ना कुछ फील करने का टाइम नहीं मिल पाता ये नाटक में रिफ्लेक्ट होने लगा है एंड नॉट इन अ गुड सेंस आई मीन ये कैरेक्टर्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है हाँ, ये, नाटक में। ये नाटक में रिफ्लेक्ट हो रहा है uh, आप दुखी हैं थोड़ी देर रहिए ना दुखी या यू नो समथिंग होता क्या है आप दुखी हैं आप फोन खोलते हैं आप स्क्रोल करते हैं ओ ये कैसे यूएस चला गया <coughs> अब आपका दुख ना जेलसी में बदल चुका है एनवी में बदल चुका है तब तक आप कुछ और देखते हो वाह यार ये बहुत सुंदर है उस इमोशन पे स्टे ही नहीं हुआ है तो हा, हाँ आई नो दिस बहुत ज्यादा थियोरटिकल हो गया नहीं माइंड ब्लोन हो गया पर ये हो रहा है और हाँ। यही नाटकों में दिखने लगा है कि कुछ स्टे नहीं है कुछ होल्ड नहीं होता ऐसी चीजें बदल रही है और उससे वो वही है ना आपने आज दिन में दस पोज डाले दस अलग चीजों के बारे में रात में सोते हुए आप पर उसका क्या असर हुआ है डिफिकल्ट है क्योंकि किसी पर भी अपने स्टेन दिया यही नाटकों में हो रहा है सो so, नाटक लिखते समय मुझे लगता है कि आराम आराम से ये ये एक लाइव कला है इंसान एक दूसरे को जानने में आइडियली जितना समय लेता है उतना समय कैरेक्टर्स को जानने में देना चाहिए आई नो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लग रहा होगा मैं मेरे दिमाग में आ गया अभी आ... मैं प्रोसेस कर रहा हूं। सोच रहा हाँ मतलब ये मज़ेदार है ये दिस इज ऑल रिलेटेड ये जनरेशनल गैप भी नहीं कहूँगी क्योंकि नाटक लिखने वाले लोग यंग जनरेशन से कम है यंग मतलब बाईस साल तेईस साल के कम लोग हैं है हमारा 2019 का एक विनर है जो कुछ बाईस साल का था अच्छा हाँ और हमारे पास साठ साल के लेखक भी लिख रहे हैं पर यंग uh, कम है डेफिनेटली uh, फिल्म लिखना फायदेमंद है फिल्म अगर बनती है तो पैसा मिलने का एक जरिया दिखता है कि कुछ तो होगा फिल्म में हाँ। नाटक चल भी जाए हिंदी में अंग्रेजी में तो भी पैसे का जरिया नहीं है वो अभी भी राइटर के लिए नहीं है ना नहीं है कम है हाँ। मतलब एक नाटक करने में अगर लाख भर रुपये लगते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं शो कॉस्ट बोल रही हूँ हाँ। बनाने में दो लाख लगे होंगे हर बार मुझे जो टिकट कलेक्शन आएगा वो एक लाख रुपये होना चाहिए मिनिमम तब मैं राइटर को पाँच हजार रुपये दे सकता हूँ और ऐसे में अगर साल भर में पच्चीस शो करता हूं तो मैं साल भर में उसे कुछ इतनी सी अमाउंट ले रही हूँ जिसपे आप जिंदगी नहीं चला सकते आई नो डिफिकल्ट है पर मजेदार है मतलब कम लिखते हैं लोग पर अच्छा लिखे हैं बस यही उम्मीद है पर थिएटर से जिंदगी चल कैसे सकती है कुछ ऐसा है फॉर्मूला क्योंकि ये तो कई सालों से यही सुनते आ रहे हैं ना कि थिएटर से जीवन यापन नहीं हो सकता थिएटर में आपना नहीं सवाल नहीं पूछेंगे बोला था आपने <laughs> 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 पर कुछ है funda, है फंडा कोई ऐसा आप हैं कि आइडियल अगर हम बात करें फॉरन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो थिएटर में इन्वॉल्व हर इंसान एक ठीक ठाक रोजी कमा सकता है और काम करते रह सकता सकते रेप जो है कंपनी उसकी जरूरत है अभी ना ग्रुप थिएटर हो रहा है ग्रुप uh, में जैसे मैं बम्बई में काम कर रही हूँ मुझे पता है कि इसमें तो पैसा है नहीं तो मैं लोगों को बोलती हूँ प्लीज़ आप टेलीविजन कीजिए आप फिल्म कीजिए या जो करना है कीजिए सा थिएटर की। हाँ हम सुबह सुबह कर थिएटर करते तो हम इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है uh, हमने एक और वो किया है क्योंकि हम सोशली रिलेवेंट प्ले करने की कोशिश करते हैं तो एन uh, हैं ग्रुप्स हैं जो उस सोशल कॉज से जुड़ना चाहते हैं तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाते हैं कि मैं जितना पैसा लगाती हूँ उतना आ जाता है ताकि हमें अगले के लिए मिलता है कमर्शियली uh, नाटक हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करता uh, आपके घर वाले नाटक देखने जाते हैं नहीं यही रीज़न हाँ। है <laughs> आप उनको ले आइए नाटक देखने मैं हमेशा यही कहती हूँ एक्टर्स हैं बाकी सब है फिल्म देखने तो जाते हैं ना हाँ। नाटक देखने ले आइए नाटक चलने लगेगा एक्टर्स को पैसा मिलेगा वो जा रहते हैं नाटक होते नहीं नहीं मैं आप मतलब मैं सभी की बात कर रही हूँ कि नाटक देखना महाराष्ट्र में क्यों चलता है बंगाल में क्यों चलता है हमारे यहाँ कल्चर है नाटक देखने जाने का लोग उठते हैं पेपर खोलते हैं मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहूँगी कि वो नाटक के एड्स होते हैं एक पेज भर के हाँ। यू चूज़ आज कौन सा देखने जा सकते हैं उसका मंथली बजट में इंक्लूजन है कि हाँ हज़ार डेढ़ हज़ार रुपये नाटक के लिए लगेंगे चार लोग जा रहे हैं तो ये जब तक नहीं होता हिंदी बेल्ट में अंग्रेजी बेल्ट में कोई एक शो चल रहा है उस पर फिर वही आप प्रोजेक्ट बेसिस पे चल सकते हैं जो बड़े शोज हैं मुगल आजम है और इस तरह के जो शोज होते हैं उसमें जीवन यापन पर वही वो वो प्रोजेक्ट खत्म होता है रेपटरी कंपनी हमारी जरूरत है कंपनीज जहाँ पर एक्टर को आप मंथली बेसिस पर पैसा दे सको क्या है आने वाले दिनों में क्या आप करने वाली हैं बहुत कुछ सो <laughs> <laughs> so, नाटक के तौर पे देखा जाए मैं एक नाटक संहिता मंच का जो होगा वो अक्टूबर में मैं कर रही हूँ एक नाटक में और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ एक स्कूल का प्रोजेक्ट है उनके साथ करूँगी मैं एक सोलो बना रही हूँ बहुत साल से मेरी इच्छा थी तो वो भी मैं सत्ताईस सितंबर को ओपन करूँगी इन एंड इन एंड सो हाँ वो एक है आ, फिल्म की दो स्क्रिप्ट्स लिख के रखी हुई है ढूंढाढ़ांड चल रही है कि कैसे हाँ। उसे बनाया जाए तो हाँ कैलेंडर फुल है चलिए जी बढ़िया थैंक यू सो मच रसिका जी हमसे बात करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच सत्यम ये हमारा कैमरा है, ये है ये ये हाँ। आ, हमारे चैनल का नाम न्यूज क्लिक है इस शो का नाम एनसी है जो भी आप बोलना चाहें दर्शकों से कि वो हमारा शो अगर देखें आपको कोई बातचीत अच्छी लगी तो देख भी सकते हैं अगर आपको बातचीत नहीं अच्छी लगी तो अनसब्सक्राइब करके और जा भी सकते हैं ऐसे इतना दुष्ट दुष्टता से क्यों <laughs> बोलने के लिए बोल रहे हो मुझे आपकी मर्जी है जो आप बोलना चाहे हाँ जी ये न्यूज़ क्लिक पर एनसी हंट हैंग आउट हाँ, फिर से करते हैं से। जी न्यूज़ क्लिक पर एनसी हैंग आउट ये जो शो है मुझे बड़ा मजा आया सत्यम से बात करने की करते हुए और अगर आप को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए क्या पसंद नहीं आया हम सुधार कर लेंगे जी बिल्कुल जी थैंक यू